वेलकम टू स्पोर्ट्स आवर। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कुंडली का एनालिसिस करेंगे जिनके एक ऐलान से पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की, जिन्होंने हाल ही में यह ऐलान किया कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे और फिर जो IPL है इस IPL के बाद वो अपने RCB टीम से भी कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि उसके लिए खेलते जरूर रहेंगे आगे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कोहली के स्टार्स क्या कुछ कहते हैं, आगे का उनका फ्यूचर कैसा है। सबसे बड़ी बात है उनकी पर्सनल लाइफ को भी आज हम लेकर बात करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैसा रहने वाला है उनका आने वाला कल, ये भी आज हम महेंद्र जी से जानेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ विराट कोहली के स्टार्स क्या बोल रहे हैं। देखिए, विराट कोहली की जो जन्म तारीख है 5 नवंबर 1988 का इनका सुबह का जन्म है और दिल्ली में इनका जन्म स्थान है। अगर हम की न्यूमरोलॉजी पर आए तो इनका फर्स्ट नंबर जो 5 है यानी मूलांक 5 और भाग्यांक 6 बनता है, यानी इसका स्वामी मूलांक का स्वामी बुध बनता है और भाग्यांक का स्वामी इनका शुक्र बनता है, जो कि बहुत बढ़िया संयोग है, बहुत बढ़िया है। और इसी शुक्र के कारण, बुध के कारण ये क्रिकेट के कहना चाहिए मैदान पर बहुत तेज हैं, एक्टिव रहते हैं और शुक्र के कारण इनके आसपास ग्लैमर घूमता है, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता इनको क्रिकेट में मिली है। आते हैं इनकी कुंडली पर। देखिए, तुला लगन की कुंडली इनकी बन के आ रही है और लगन में सूर्य बुध हैं, दूसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में शनि है, चतुर्थ खाली, पंचम में राहु हैं, छठे भाव में इनके मंगल बैठे हैं, सातवां भाव खाली है, आठवें भाव में गुरु चले गए हैं, नवम भाव खाली है, दशम भी खाली है, ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और केतु की युति है और बारहवें घर में इनके लगन का स्वामी शुक्र बैठ गया है नीच का होके। देखिए, इनकी कुंडली जो है वो एक विचित्र कुंडली है, क्योंकि मैंने सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली का भी एनालिसिस किया है, उनकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बने हैं, विपरीत राजयोग बने हैं। उनकी कुंडली में 5-5 ग्रह नीच के थे, उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट के किस मुकाम को छुआ है, जितने रन बनाए आज तक भी कोई क्रिकेटर वहां तक पहुंच नहीं पाया है। तो यही विचित्र जो योग हैं विराट कोहली की कुंडली में भी बन रहे हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग बन जाता है कविता जी, तो ऐसा राजयोग वाला व्यक्ति सामान्य राजयोग से ज़्यादा फलित शुभ फल उसको मिलता है। अब इनकी कुंडली में लगन में सूर्य नीच के हैं और 12वें भाव में शुक्र नीच के हैं और शुक्र और बुध में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो नीचभंग राजयोग बना। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है, ये भी विपरीत राजयोग बना। तो कहीं ना कहीं इस राजयोग के कारण विराट कोहली को बहुत बड़ी लोकप्रियता मिली और क्रिकेट में अचानक से चमके हैं और रन मशीन बने हुए हैं। सबसे पहले मैं विराट कोहली के बिहेवियर की बात करूं तो देखिए, मैदान में ना वो हमेशा मुझे बहुत एग्रेशन में दिखते हैं, हमेशा उनका एग्रेशन दिखता है, बहुत एग्रेसिव प्लेयर के तौर पर मुझे नजर आते हैं। और कई बार देखा गया कि फील्ड में प्लेयर्स के साथ भी उनकी किस तरह से ट्यूनिंग रहती है, तो मैं जानना चाहती हूँ लोग कहते हैं कि आखिरकार विराट कोहली को इतना गुस्सा क्यों आता है, इसके पीछे के क्या ग्रह नक्षत्र। देखिए, गुस्सा आने के पीछे है कि सूर्य मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सूर्य मंगल लगन में हो, लगन भाव को देख रहे हो, तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। अब जैसे जो उनका प्रोफेशन है, जब वे मैदान पर उतरते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खिलाड़ी के लिए अपने मन में शत्रुता का भाव रखते हैं। देखिए, इनके खेल में ही, इनके खून में ही एग्रेशन है। जब ये मैदान पर उतरते हैं तो स्पोर्ट्स स्पिरिट इनके अंदर इतनी ज़बरदस्त है, ये अपने जो कहते हैं ना कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं एग्रेशन के द्वारा। आपने देखा हो कितनी बार जब विराट कोहली कोई विकेट लेते हैं तो बहुत पूरे मैदान में घूमते हैं, या कहना चाहिए पूरी टीम हडल करती है, या बड़ा ज़बरदस्त एक एग्रेशन दिखाते हैं, एग्रेसिव होकर दिखाते हैं, तो बड़ी खुशी उसमें इजहार जाहिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं ना कोई एरोगेंस या कोई घमंड होता है जी। तो लगन में सूर्य इनका नीच का है जो इनको बहुत ज़्यादा बनाता है कि भाई ये बहुत एग्रेसिव है। और देखिए, मंगल जो छठे भाव में बैठा है, मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पर है, सूर्य पर पड़ गई है, जिसके कारण विराट कोहली मैदान पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। आपने देखा होगा जब ये मैच जीतते हैं या कोई बड़ा विकेट लेते हैं या कोई कैच पकड़ते हैं तो अपनी कहना चाहिए खुशी का इजहार करते हैं, भावनाओं का इजहार खुल कर करते हैं। तो सूर्य और मंगल की जो दृष्टि है वो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है। लेकिन आपने कितनी बार ये भी देखा होगा कि विराट कोहली मैदान पर तो एग्रेसिव रहते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ ऑफ द फील्ड जो है वो बहुत ही अच्छे उनके रिलेशन रहते हैं। तो इसलिए विराट कोहली पर्टिकुलर खिलाड़ी से लड़ाई नहीं है, वो खेल में अपनी भावनाओं का इजहार करके खुशी जाहिर करते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि विराट कोहली एक शतकीय पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर उनके पिछले
दो साल की उनकी फॉर्म को देखा जाए तो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए औसत की अच्छी है, 50 प्लस औसत से वो बैटिंग करते हैं, रन बनाते हैं, लेकिन एक भी पिछले दो सालों में एक भी शतक या पारी उनकी हमें देखने को नहीं मिली है। मैं ये जानना चाहती हूँ आगे इनका फ्यूचर कैसा है, क्या ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी जैसे उनके जो रिकॉर्ड्स को पार कर पाएंगे, उम्मीद नजर आ रही है? देखिए जैसे मैंने बोला कि इनका नीचभंग राजयोग के विपरीत राजयोग कुंडली में है और इस समय राहु की दशा है। राहु इनके कुंडली में जो है कविता जी पंचम भाव में बैठे हैं, राहु में केतु की अंतर्दशा चल रही है और ये 17 अगस्त से शुरू हुई है 2021 से और 5 सितंबर 2022 तक चल रही है। देखिए इनकी कुंडली बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप देखिए इनके क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट उठा लीजिए, चाहे वनडे हैं, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो, तीनों में इनका औसत 50 से ज़्यादा का है। यानी कि कोई भी खिलाड़ी आज की डेट में विश्व क्रिकेट में इनके आसपास नहीं ठहरता है। अगर रनों की बात करें तो मुझे लगता है कि जिस गति से ये चल रहे हैं तो आने वाले समय में अगर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा तो वो विराट कोहली ही है, जिस हिसाब से आज भी चल रहे हैं। और उनके सितारे बता रहे हैं कि वो अभी उनका जो समय है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी परेशानी वाला समय। जैसे आपने बताया कि सेंचुरी नहीं लग रही है, इस समय देखिए कि हाफ सेंचुरी भी करते हैं तो भी बड़ी बात हो जाती है या हाफ सेंचुरी करते ही आउट हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। राहु में केतु चलता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव वो अपने ऊपर ले रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने T20 से भी अभी कप्तानी छोड़ी है और अब IPL की भी छोड़ देंगे। यानी कि T20 के किसी भी फॉर्मेट के वो कप्तान नहीं रहेंगे, चाहे वो लीग क्रिकेट हो या वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। देखिए अभी इनका जो समय है कुंडली बता रही है 5 सितंबर 2022 तक का समय इनका बड़ा मिला जुला है और खासकर 20 नवंबर तक का समय इनका उतना बेहतर नहीं है। यानी कि 20 नवंबर तक इनके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव रहेगा, किसी मैच में अच्छा करेंगे तो अगली मैच में जीरो पे आउट हो जाएंगे या कम स्कोर पे आउट हो जाएंगे या ऐसी परिस्थिति भी होगी इनकी टीम जीतती जीतती कंडीशन में जीत नहीं पाएगी। तो बड़े उतार चढ़ाव की स्थिति इनके सितारे कम से कम 20 नवंबर तक तो दिखा रहे हैं, क्योंकि 20 नवंबर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बृहस्पति जो है आज की डेट में बकरी हैं और नीच के बृहस्पति चल रहे हैं। जैसे ही बृहस्पति 20 नवंबर के बाद इनके पंचम भाव में आ जाएंगे लगन से और राशि से सप्तम में आ जाएंगे तो इनका बल्ला जो है वो रन बनाना शुरू कर देगा। तो 20 नवंबर के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इनका समय बेहतर रहेगा, लेकिन आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूँ कि इनके जो सितारे हैं वो अभी इनको कहीं ना कहीं परेशानी तो विराट कोहली के साथ बनी रहेगी, दबाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कप्तानी से रिजाइन भी दिया है। मैं ये देखिए अगर मैं विराट कोहली के पॉपुलैरिटी को लेकर बात करूँ तो पिछले दो सालों से हमें फील्ड पर विराट कोहली का वो रन मशीन वाला अवतार नजर नहीं आया, फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े एड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, फैन कहते हैं कि फीमेल फैन फॉलोइंग उनकी गजब की है। मैदान पर उतरते हैं तो आपको तो पता है किस तरह शोर शराबा बिल्कुल होती है, इसके पीछे मतलब लोकप्रियता में सबसे टॉप पर है, क्या इसके पीछे? देखिए शुक्र का प्रभाव है, तुला लगन है जिसका स्वामी शुक्र है, मूलांक इनका 5 है जिसका स्वामी बुध है, वो भी बहुत आकर्षक नंबर है, भाग्यांक इनका 6, यानी जन्म तिथि का पूरा टोटल कर दें टोटल 6 आता है। तो जो व्यक्तियों का भाग्यांक 6 होता है शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो वहाँ चर्चा का विषय बना रहता है। तो विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पे फीमेल फैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज़्यादा है, फीमेल के लिए चर्चा का विषय है, रन भी बनाते हैं और फीमेल इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो शुक्र ने इनको लोकप्रियता दी है, तुला लगन होने की वजह से शुक्र इनका नीच का जरूर है लेकिन यहाँ पर शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये विशेष लाभकारी हो गया है, ये नीच भंग हो गया है तो ये विराट को और ज़्यादा लोकप्रियता दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो लोकप्रियता के मामले में इनकी कोई कमी नहीं आने वाली है, इनकी फैन फॉलोइंग जो है हमेशा इसी तरीके से बढ़ी रहेगी और इनका एग्रेशन जो है वो भी इसी तरीके से अभी बरकरार रहने वाला है। नो डाउट विराट कोहली एक बहुत अच्छे कप्तान हैं और बहुत अच्छे मतलब उनकी कप्तानी दिखती है फील्ड में, लेकिन अपनी कप्तानी में वो अभी तक ICC की कोई भी ट्रॉफी टीम इंडिया को जिता नहीं पाई, ये सब कहते हैं क्योंकि MS धोनी की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने तीनों फॉर्मेट की ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप जीता, T20 जीता, चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, लेकिन विराट कोहली नहीं जीता पाते, इसके पीछे का मैं रीजन जानना चाहती हूँ, क्या वजह है कि भाई ट्रॉफी तक पहुँच जाते हैं लेकिन उसको छू नहीं पाते? देखिए फाइनल बड़े खेले हैं, फाइनल में पहुंच जाएंगे और कितनी बार इनकी टीम एंड टाइम पे आके मैच से मतलब कि मैच हार जाती है, हमेशा चूक जाती बिल्कुल। तो देखिए इनकी कुंडली में क्या है कि सूर्य कमजोर होने की वजह से, सूर्य नीच का है और शनि भी कमजोर है तृतीय भाव में, जिसके कारण जो है इनको राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलता है। देखिए एज ए प्लेयर तो इनमें कोई कमी नहीं, नो डाउट ये
वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इस समय है ये, तीन चार जो बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से एक इनका नाम गिना जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है लीड करने की एज ए कैप्टन, देखिए मुझे नहीं लगता है कि एज ए कैप्टन ये बहुत बढ़िया कोई बड़ी ट्रॉफी जिता पाएंगे, कोई बढ़िया करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, फाइनल तक ले गए टीम को, लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली टीम ने ही पूरी टीम ने ही खराब प्रदर्शन किया तो वो भी हार गए। और पिछले कुछ अगर आप इनके आईपीएल उठा के देख लें तो चाहे आईपीएल में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया हो या सेमीफाइनल में, बहुत अच्छा करते हैं लेकिन एंड में आके इनको हार मिलती है। तो शुक्र सूर्य और शनि के कारण जो है इनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है कि आईसीसी की बड़ी ट्रॉफी ये जीत भी नहीं पाए हैं। अगर इस समय इनको शुक्र की अंतर्दशा होती कविता जी तो संभावनाएं थी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते, लेकिन 5 सितंबर 2022 तक इनके ऊपर जो दशा है राहु में केतु की है ये इतना अच्छा संकेत नहीं दे रही है। बल्ले से भी कभी तो इनका बल्ला खामोश रहेगा, कभी बल्ला चल जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी पारी की अभी उम्मीद तुरंत नहीं करनी चाहिए, खासकर 20 नवंबर तक तो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर इनकी कैप्टनसी की बात करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में वनडे की कैप्टनसी भी छोड़ दें या इनकी कप्तानी जा सकती है और टेस्ट को ये पूरी तरीके से अपना फोकस करेंगे। हालांकि फॉर्मेट सभी खेलेंगे लेकिन केवल टेस्ट के ही कैप्टन बन के रहेंगे आने वाले समय में, कुछ ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तकरीबन एक साल का इनके ऊपर अभी केतु का प्रभाव रहेगा, तो इसलिए विराट कोहली के ऊपर इस समय दबाव है, मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे, मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे, उसी के चलते उन्होंने कप्तानी भी छोड़ी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर ये कप्तानी छोड़ेंगे आगे या वनडे की छोड़ देते हैं या चयनकर्ता किसी और को कप्तान बनाते हैं तो विराट कोहली के लिए एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके ऊपर दबाव हट जाएगा। अब आप देखिए जब कोई खिलाड़ी हर फॉर्मेट में कप्तान है कविता जी तो, और लीग में भी उनको खेलना है, लीग क्रिकेट भी आईपीएल भी खेलनी है, तो खिलाड़ी पर हमेशा प्रेशर रहता है। और देखिए वो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे, तेंदुलकर भी थे, वो इतने अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए थे, खिलाड़ी एज ए इंडिविजुअल बहुत बढ़िया रहे। एमएस धोनी जो हैं अच्छे खिलाड़ी भी थे, अच्छे कप्तान भी थे। उसी तरह अगर हम बात करें तो और खिलाड़ियों की वो इतने बेहतर कप्तान साबित हुए हैं, जैसे रोहित भी लीग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की कुंडली में एज ए कैप्टनसी कोई बड़ी ट्रॉफियां जिताना ज्यादा इतना बढ़िया इनका सितारे नजर नहीं आते उस हिसाब से। आपने स्टार्स के बारे में बताया, अब मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप है, यहाँ पे विराट कोहली एज ए कैप्टन अपनी टीम को लीड करेंगे? देखिए टीम को तो लीड करेंगे लेकिन थोड़ा दबाव में रहेंगे, विराट के बल्ले से रन भी बनेंगे लेकिन बड़े मौके पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है क्योंकि बड़े मौके पे चूक सकते हैं, ऐसे इनके सितारे बता रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल सा रहेगा, हारा हुआ मैच जिता देंगे, जीता हुआ मैच हार जाएंगे, क्योंकि केतु एक ऐसा ही ग्रह है जो कि कहना एकदम से अचानक से बुरे फल देता है, अगर समय ठीक चल रहा है तो अचानक से शुभ फल देगा, तो ये ग्रहों का इनको फल देखने को मिलेगा। टीम इनकी जीती जीती जाएगी, अचानक से एक मैच हार जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, कुछ इस तरीके की परिस्थिति अनफॉर्चुनेटली देखनी पड़ सकती है केतु की अंतर्दशा के कारण। और थोड़ा सा दर्शकों के निशाने पे भी रहेंगे, थोड़ा आलोचनाओं का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर बात करें इनकी कुंडली में इनकी धर्मपत्नी जो अनुष्का शर्मा है वो इनके लिए बड़ी भाग्यशाली हैं, उनकी सलाह विराट कोहली के बड़ी काम आती है। और अगर ऐसा लगता भी है कि विराट कोहली के ऊपर उनकी पत्नी अनुष्का का बड़ा प्रभाव है और उनकी बात मानते भी हैं, उनकी सलाह से उनके भाग्य से इनके कुछ किस्मत बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन विराट का इंडिविजुअल अभी समय जो है कोई बड़ा खिताब जीतने का अभी ऐसा हालात दिखना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है। एंड टाइम पर आके एंड मोमेंट पर आके ये कहना चाहिए चूक सकते हैं, कोई बड़ी जीत हाथ से निकल सकती है, ऐसे कुछ सितारे कह रहे हैं। तो एज ए प्लेयर तो बहुत अच्छा करेंगे, अगर मैं आने वाले इनका कब तक क्रिकेट खेलेंगे, देखिए अभी इनकी जो एज बता रही है वो नवंबर में 33 के हो जाएंगे, मुझे लग रहा है अभी 5-6 साल तो आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं, 5 साल तो कम से कम खेलेंगे ये इनके सितारे भी बता रहे हैं। चलिए मैं जी आपने बताया जाए कि आने वाले 5 सालों तक विराट कोहली हमें मैदान पे दिखेंगे और क्रिकेट खेलते हुए नजर। और एक चीज और ये मेरी भविष्यवाणी है, अगर जी इनके सितारे चल रहे हैं, अगर ये 5 साल क्रिकेट खेलेंगे भी, अगर ये 5 साल खेल गए कविता जी तो ये सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ देंगे टेस्ट का। ये आपकी बड़ी प्रेडिक्शन जी, ये बिल्कुल सितारे नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी आने वाले समय में बनेंगे, थोड़ा समय का इनको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेशन पे कंट्रोल करें और ध्यान थोड़ा और ज्यादा फोकस लगाएं अपनी बैटिंग पे। अब तो जैसे कैप्टनसी T20 में नहीं करेंगे तो और ज्यादा इनका ध्यान फोकस करेगा, इस वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे तो उनका ध्यान भी और ज्यादा क्रिकेट में हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रहेगा इनके लिए और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विराट कोहली जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी कैप्टनसी छोड़ देंगे, तो उम्मीद सबको है
कि अनिदर अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीता पाए, तो एटलीस्ट अपनी कैप्टनसी में इस बार का T20 वर्ल्ड कप तो टीम इंडिया को जिता के जाए। चलिए, था हमारे साथ मयंक जी, जिनके साथ हमने विराट कोहली जी की कुंडली और उनके स्टार्स के बारे में डिस्कस किया। आपको हमारा ये स्पोर्ट्स आर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के साथ।